हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी चिमनी अगर प्रॉब्लम कर रही है तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करेंगे कि हमारी किस चीज़ में प्रॉब्लम है। चिमनी में प्रॉब्लम है तो उसके किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर हमको ये काफ़ी ईजिली पता चल जाए तो हम काफ़ी अच्छे से वहाँ पर रिपेयरिंग को कर सकते हैं। मुझे कमेंट भी आया हुआ था और मैंने अभी तक ऐसी वीडियो बनाई भी नहीं थी। है बहुत ही सिंपल सी वीडियो लेकिन उसके तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। जब एक कमेंट आया तब मैंने सोचा कि हाँ इसके बारे में वीडियो बननी चाहिए। तो यहाँ पे जो नया टेक्नीशियन है, जो नए काम करते हैं, वो किस तरीके से पहचान पाएँ, जैसे सपोज करो कि चिमनी हमारी नहीं चल रही है तो किस तरीके से पहचान पाएँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तभी तो वहाँ पे उस चीज़ को वो रिपेयर करेगा, चेंज करेगा। तो प्रॉब्लम कई तरीके की आ सकती है। एक तो आ सकती है कि चिमनी में हमारी कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रही है, देख सकते हैं एक मिनट, किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं शो करेगी। एक प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है, एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है चिमनी चल तो रही है काफ़ी स्लो चल रही है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि सब चीज़ वर्क कर रहा है, डिस्प्ले भी आ रही है, यहाँ से हम कमांड दे रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहा है, कमांड काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारी लाइटें डिम जल रही हैं, और भी कई चीज़ों की प्रॉब्लम होती है जो अगर हमें पता हो तो हम यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा देना, जिससे होगा क्या मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने यहाँ पर चिमनी रिपेयरिंग कोर्स भी बनाया हुआ है जिसमें आप A to Z स्टार्टिंग से लेके यानी बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा वहाँ पर मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। और जो उसकी कॉस्ट है वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 999 रुपीज़ में यहाँ पर आपको मिलेगा, 999 रुपीज़ में आपको यहाँ पर मिलेगा चिमनी रिपेयरिंग का ऑनलाइन कोर्स। बन रखा है पहले से ही, यूट्यूब पे अपलोड है, बस वो प्राइवेट रखा होता है और जैसे ही आप पेमेंट करके जो भी पेमेंट का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद वो कोर्स आपको सेंड होगा और आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, लाइफ टाइम एक्सेस कर पाएंगे। और जब आप ये कोर्स मेरे से बाय करते हैं तो वहाँ पे आप एक साल तक रिपेयरिंग में हेल्प भी ले सकते हैं, वहाँ पर वो फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। और अगर आप चिमनी की PCB रिपेयर करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप 400 प्लस कुरियर चार्ज यहाँ पे देते हैं 400 और 160 के आसपास कुरियर चार्ज, और इसी के आसपास जो भी है कुरियर चार्ज आपको पे करने होंगे और आप PCB को रिपेयर करवा सकते हैं। अगर आप कुरियर करेंगे तो ये PCB मेरे पास भेजेंगे, इन चीज़ों को ध्यान रखना क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं और बाद में चीज़ों को समझते नहीं हैं और फिर पूछते रहते हैं। तो जब आप मेरे पास कुरियर करेंगे PCB रिपेयरिंग के लिए तो यहाँ से मैं PCB रिपेयर करूँगा, कोई चार्ज नहीं देना है। जब रिपेयर हो जाएगी और उसकी भी वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, उसके बाद यानी मैं जब यहाँ से रिटर्न करूँगा उस टाइम आपको ये दोनों ही पेमेंट एक साथ देनी है मुझे। और दूसरी केस ऐसा बनता है कि आप कहते हैं कि मैं खुद रिपेयर करूँगा, आप मुझे गाइड करें, तो वहाँ पर भी आपको 400 पेमेंट करने हैं लेकिन ये पेमेंट आपको फर्स्ट में करने हैं, यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट में पेमेंट करनी है ये वाली, पहले पेमेंट करेंगे और उसके बाद मैं आपको गाइड करूँगा। ऐसा नहीं है कि पहले गाइड होगी और उसके बाद पेमेंट होगी क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। कई लोग इसी चीज़ में समय बर्बाद कर देते हैं कि पहले मुझे बता दो और उसके बाद काम बन जाएगा तो मैं पेमेंट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि पहले आपको पेमेंट करनी है उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि कई बार मेरे से ऐसा हो रखा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है कि मैंने यहाँ पर पहले बताया और उनका काम बना, हल्का फुल्का उनको जो भी हिंट मिलना था वो मिला, उनके बाद उसने मुझे ब्लॉक किया और अपना काम करके चिमनी रेडी कर ली और ये पैसा कोई नहीं मिला मुझे। तो इसलिए फर्स्ट आपको पेमेंट करनी होगी, स्क्रीन शॉट भेजना होगा व्हाट्सएप पर और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम बता दिया जाएगा, इस टाइम पे अवेलेबल रहोगे या नहीं रहोगे, आपके और मेरे दोनों के अकॉर्डिंग। जब दोनों ही अवेलेबल हो तो यहाँ पे काफ़ी इजीली रिपेयरिंग में हेल्प होगी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, चिमनी रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो 999, और यहाँ पे अगर आप कुरियर करना चाहते हैं तो 400 प्लस 160 लगेंगे, और आप ऑनलाइन रिपेयर खुद ही से करते हैं और मुझसे हेल्प चाहेंगे तो यहाँ पे 400 लगेंगे। तो तीनों में से आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बाकी अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी नए टेक्नीशियन है एकदम फ्रेश, वो किस तरीके से समझेंगे कि हमारे किस पार्ट में फॉल्ट है, तो हम कहाँ के तरफ देखें। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें हमारा पावर आया होगा, इस तरीके से एक पावर बोर्ड होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से पावर बोर्ड होगा और इसकी लीड गई होगी इस पर। सपोज करो एक एक करके हम चेक करते हैं और काफ़ी चीज़ इसमें कवर हो जाएगा, बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो हमने इसी में चेक करना होता है वोल्टेज, वोल्टेज डाउन तो नहीं है, 220 के आसपास वोल्टेज हमारा रहना चाहिए। अगर आप मल्टीमीटर का यूज करते हैं तो मल्टीमीटर का ही यूज करें, क्योंकि ये जो पीसीबी वर्क काम होता है इसमें मल्टीमीटर की काफ़ी अहमियत होती है। अगर आप मल्टीमीटर यूज नहीं करना जानते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे ही प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से मल्टीमीटर यूज के बारे में डालेंगे कीवर्ड तो आपको मिल जाएगा, या और भी अदर वीडियोज़ हैं लोगों की, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको मल्टीमीटर चाहिए तो मैं यहाँ पे एक अच्छा मल्टीमीटर चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप मल्टीमीटर को देख सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर होना बहुत ही ज़रूरी है। पीसीबी में अगर आप चिमनी की पीसीबी रिपेयर करेंगे या चिमनी रिपेयर करेंगे या कोई भी पीसीबी रिपेयर करेंगे तो मल्टीमीटर का बहुत ही अहमियत है, सोल्डर आयरन मल्टीमीटर, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। बाकी कंपोनेंट तो जब जो जैसे ही सिचुएशन बनती है, जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम मार्केट से ला करके तुरंत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉकेट में चेक करेंगे कि 220 वोल्ट हमारा एसी बन रहा है या नहीं, अगर यहीं पे नहीं बन रहा है तो फॉल्ट हमारा इससे पहले का है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे बन रहा है फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम है उनको हम देखते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम चिमनी के ऊपर साइड से हम खोलेंगे तो इस तरीके की पीसीबी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो लीड आई होगी मेन, यहाँ पे देख सकते हैं इधर कहीं से हमारी लीडें आई होंगी, मेन लीड आकर के जहाँ कहीं भी लगी हुई है इस तरीके से, हमने इस पॉइंट में भी चेक करना है। मल्टीमीटर जो डिजिटल मल्टीमीटर होगा उसको हम एसी में सिलेक्ट करेंगे, 220 वोल्ट से ऊपर ही सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके मीटर में सिलेक्शन है 750-1000 उससे आसपास रखेंगे, और इन पॉइंटों में हम एसी को चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमारा ये पावर कॉर्ड ख़राब होगा, पावर केबल ख़राब होगा तो हमारा 220 वोल्ट यहाँ पे नहीं बनेगा, 220 वोल्ट यहाँ पे नहीं बनेगा तो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद ये फ्यूज चेक करेंगे, हम फ्यूज को चेक करेंगे, चाहे आप एसी में भी चेक कर सकते हैं या कंटिन्यूटी में भी चेक कर सकते हैं, फ्यूज भी हमारा ओके होना चाहिए तभी हमारा पीसीबी चलेगा। ये चेक होने के बाद अब भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हमने क्या करना है, इस पीसीबी को खोल करके उल्टा करना है, कनेक्शन सब ऐसे ही लगे रहने देने, उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ये यहाँ पर देखते हैं पीसीबी में सबसे बड़ा मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, इसमें हमको 300 से 350 वोल्टेज डीसी होने चाहिए, ध्यान रखना डीसी। अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारा इधर पर का काफ़ी सेक्शन सही है, क्या क्या सेक्शन सही है उसके लिए मैंने एक कोर्स तैयार करा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट सीखूं चिमनी का काम तो वहाँ पर आप ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने फ्री में भी कई वीडियो बनाई हुई हैं जहाँ पर कोई अच्छे से पूरी डिटेल भी बताई हुई है, उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप 300 से 350 वोल्टेज चेक करेंगे, नहीं आ रहा है तो इससे पहले के चीज़ों को आप फाइंड आउट करेंगे, और आ रहा है तो ओके है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं, इन कैपेसिटरों में भी आपने वोल्टेज चेक करने हैं। यहाँ पे एक रेगुलेटर देखने को मिल रहा है, इसका एक इनपुट होता है, एक ग्राउंड होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट में आपको 12 वोल्ट, ग्राउंड में 0 लगाएंगे और आउटपुट में 5 वोल्ट इस रेगुलेटर में मिलने चाहिए। बाकी एक कैपेसिटर है, एक हमारा 12 वोल्ट का कैपेसिटर होगा, एक हमारा 5 वोल्ट का कैपेसिटर होगा, या दो हमारे 12 वोल्ट के होंगे, एक 5 वोल्ट का होगा, तो यहाँ पे ये भी जनरेट होने चाहिए तो हमारा वर्क करेगी पीसीबी। उसके बाद देख सकते हैं कोई पत्ता वत्ता लूज तो नहीं हो रहा है, इसके पीछे से भी पिन देख सकते हैं कोई लूज तो नहीं हो रही है, तो आपकी डेट की प्रॉब्लम यहाँ पर 70-80% सॉल्व हो जाएगी।
अब हम चलते हैं कि डिस्प्ले आ रही है लेकिन स्लो चल रही है, उस केस में क्या होता है, स्लो चल रही है या तो मोटर में प्रॉब्लम हो सकती है या उसका जो कैपेसिटर होता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगे रहता है जिसको हम सेल कहते हैं, 5 से 6 UF का वो कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर अगर प्रॉब्लम करेगा तो भी हमारी मोटर में प्रॉब्लम आएगी, और मोटर खुद ही प्रॉब्लम में रहेगी तो भी हमारी मोटर प्रॉब्लम ही करेगी। तो दो चीज़ों को इसको आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मोटर को किस तरीके से चेक करना है वो भी मैंने सब वीडियो में बताया हुआ है जो भी मेरा कोर्स है। उसके बाद हमारा सबसे अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है लेकिन हमारी मोटर की स्पीड कोई चल रही है कोई नहीं चल रही है या बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसी भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस केस में हमारी इसके पीछे IC होती हैं, सपोर्टिंग IC, उसमें फॉल्ट आ जाता है, या हमारी रिले होती हैं इनमें फॉल्ट आ जाता है। इनको किस तरीके से चेक करें वो भी मैंने सब वीडियो में बताया हुआ है, तो इनको चेक कर लेना। क्योंकि ये जो रिले लगी हुई है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये रिले क्यों लगी हुई है, अगर आप फ्रेश हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3 रिले हमारी स्पीड के लिए लगी है, 1 रिले हमारी हीटर के लिए लगी हुई है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे देखते हैं 4 रिले यहाँ पे यूज में ली जाती है। तो ये लगभग हमने काफ़ी कंपोनेंट इस PCB में कवर कर लिए हैं, देख सकते हैं। बाकी इसके बैक साइड भी होते हैं कुछ कंपोनेंट, लेकिन वो यहाँ पे पिक्चर है नहीं तो मेरे पास उसका अभी दिखाना मुश्किल है। तो PCB का क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं मोटर की तरफ। ये रही दोस्तों चिमनी की मोटर, कुछ इसी तरीके की होती हैं, थोड़ा सा लंबी शेप में भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इसमें वायरें आती हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6 वायरें हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं, जो नए होते हैं, जो काम करते हैं या जिनने कोर्स बाय कराया, उनको तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जानकारी होगी कि ये 6 वायर किस चीज़ की हैं, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं और किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी वायर हमारी किस चीज़ की है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो 6 वायर हैं दोस्तों यहाँ पे। अब ऐसे पता कैसे लगेगा कि कौन सी वायर किस चीज़ की है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कोई सी भी 2 वायर इसमें हमारी कैपेसिटर की होती है। अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि यही दोनों है, वो हम चेक करेंगे और किस तरीके से करेंगे उसके लिए भी मैंने संपूर्ण वीडियो कोर्स बनाया हुआ है। और बची हुई 4 तार, इसमें से 1 तार कॉमन होती है और बाकी स्पीड फर्स्ट होती है, स्पीड सेकंड होती है और ये स्पीड थर्ड होती है। देख सकते हैं 5, 6 की 6 वायर हमारी लग चुकी हैं। ये हमारी कॉमन वायर होती है, ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीड, 2 वायर हमारी कैपेसिटर की होती है। तो यहाँ पे हमारी 6 की 6 वायर लग गई हैं, देख सकते हैं। तो चिमनी की मोटर में 6 ही वायर मिलेंगी हमेशा। ऐसा हो सकता है कि 4 वायर एक साइड से निकल रही हो, इधर से 4 वायर निकल ली हो और इधर भी छेद हो, इधर से 2 वायर निकल ली हो। तो जहाँ से 2 वायर अगर अलग से निकल रही है तो उसमें तो हमें कन्फर्म होता है कि ये 2 वायर हो जो हुए हमारी सेल की हैं, यानी कैपेसिटर की हैं। और जो ये 4 वायर है इसमें से 1 वायर कॉमन है और बाकी 3 वायर स्पीड की हैं, अगर अलग अलग निकल रही होती है तो हमें कन्फर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर सारी ही जगह से एक ही तार निकल रही हैं तो यहाँ पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि सेल की कौन सी है, कैपेसिटर की कौन सी है, या हम मोटर को चेंज कर रहे हैं और इस तरीके से मोटर आ गई तो वहाँ पे भी हम कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी वायर किस चीज़ की होती है। तो इसकी प्रॉपर चेकिंग होनी ज़रूरी है। तो अगर मोटर ख़राब होगी तो आप कंटिन्यूटी जब चेक करेंगे, इस मोटर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मैं एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जब भी ये मोटर ओके होगी तो कोई छावी वायर पकड़ लो, एक वायर मल्टीमीटर ले लो, इस तरीके से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख लो। यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी मोड में रखो मल्टीमीटर को इस तरीके से, और इसका एक वायर लगा दो किसी भी एक वायर में, और दूसरा वायर हम इसमें भी लगाएंगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग शो करना चाहिए, इसमें भी लगाएंगे कुछ ना कुछ रीडिंग शो करना चाहिए, यानी हर एक में हम चेक करेंगे, हर एक में यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग शो होनी चाहिए हमारी, तो मोटर ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं तो मोटर क्या है हमारी ओके, अगर रीडिंग शो कर रही है तो। किसी एक में भी अगर रीडिंग शो नहीं कर रही है कोई सी भी तार, चाहे आप कॉमन आप इसमें लगा लें, यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे आप एक वायर इसमें परमानेंट लगा लें मीटर की और दूसरी वायर आप रेड में लगाएं, येलो में, ब्लैक में, इस तरीके से लगाएं, तो कुछ ना कुछ रीडिंग हमारी शो करनी चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं कर रही है तो हमारी मोटर में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप मोटर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोटर ख़राब है या नहीं हमारी। यहाँ पे ये देख सकते हैं काफ़ी इजी है। और PCB को चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं AC, यहाँ पे DC चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम DC चेक करेंगे 12.5 वोल्ट, इसमें भी चेक करेंगे 12.5 वोल्ट DC चेक करेंगे, इसमें भी 5 वोल्ट चेक करेंगे, DC चेक करेंगे,
इसमें हमारा एक हमारा डिस्प्ले की तरफ को जाएगा, एक हमारा लाइट का है। डिस्प्ले वाले में भी चेक करेंगे 5 वोल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर ये सब 5 वोल्ट 12 वोल्ट 300 इतने वोल्ट सब जनरेट कर रहा है तो हमारी पीसीबी ओके है। और उसके बाद रिले को चेक करेंगे, अगर स्पीड नहीं चल रही है या मोटर नहीं चल रही है, बाकी पीसीबी वर्क कर रही है तो रिले चेक करनी आनी चाहिए। ये हमारी ओके है तो रिले ओके है। फिर इस पर कमांड जो जाती है हमारी सपोर्टिंग आईसी होती है जो कि यूएलएन 2003 होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, उसको चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर करके एक जो किचन चिमनी होती है उसके आप अच्छे खासे टेक्नीशियन बन जाएंगे और काफ़ी हद तक आप चिमनी को रिपेयर कर पाएंगे। और आप कहीं भी जाएंगे तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, आप डर में नहीं रहेंगे कि मैं किस तरीके से चेक करूं, कोई मुझसे गलती तो नहीं हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो आपकी सारी शंका यहाँ पर निकल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप सर्किल में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।